दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का नौवां मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 272 रन बना दिए और भारत के सामने 273 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए और दोस्तों फिर जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हुई तो कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत से भारत ने इस मुकाबले को 90 गेंदें शेष रहते ही 8 विकेट से अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को जीत मिलने के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान को हराने के बाद पॉइंट टेबल में टीम इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं पर अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आखिर अफगानिस्तान से जीत मिलने के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है और अफगानिस्तान की टीम को पॉइंट टेबल में कौन सा तगड़ा झटका लगा है और दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में कौन सी टीम कितने नंबर पर मौजूद है, दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी कि 10वें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो 10वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम का नाम आता है। आपको बता दें कि टीम इंडिया से हार मिलने के बाद अफगानिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अगर अफगानिस्तान के नेट रन रेट की बात करें तो -1.907 का नेट रन रेट है और अभी तक अफगानिस्तान की टीम का पॉइंट टेबल में एक भी अंक नहीं है, इसलिए दोस्तों अफगानिस्तान की टीम अभी तक 10वें नंबर पर मौजूद है और अफगानिस्तान को प्लेऑफ में यानी कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अभी तक बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट भी काफी ज्यादा बेहतर करना होगा, तभी अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों अगर 9वें नंबर की बात करें तो पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर नीदरलैंड्स की टीम का नाम आता है। नीदरलैंड ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और वर्ल्ड कप के दोनों मुकाबलों में नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अगर नीदरलैंड के नेट रन रेट की बात करें तो -1.800 का नेट रन रेट है और दोस्तों अभी तक नीदरलैंड का पॉइंट टेबल में एक भी अंक नहीं है। दोस्तों नीदरलैंड को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अपना नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा सुधारना होगा और साथ में ही बचे हुए सभी मुकाबले भी जीतने होंगे, तभी नीदरलैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों अगर 8वें नंबर की बात करें तो पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर श्रीलंका की टीम का नाम आता है। श्रीलंका ने अभी तक वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले हैं जिनमें से दोनों मुकाबलों में श्रीलंका की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अगर श्रीलंका के नेट रन रेट की बात करें तो -1.161 का नेट रन रेट है और अभी तक श्रीलंका का पॉइंट टेबल में एक भी अंक नहीं है। श्रीलंका को बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे और नेट रन रेट भी काफी ज्यादा सुधारना होगा, तभी श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों अगर 7वें नंबर की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में एक मुकाबला खेला है और जो कि टीम इंडिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट की बात करें तो -0.883 का ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट है और ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट टेबल में अभी एक भी पॉइंट नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बचे हुए लगभग सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट और भी ज्यादा सुधारना होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों अगर 6वें नंबर की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर यहां पर बांग्लादेश की टीम का नाम आता है। बांग्लादेश ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबले खेले हैं जिनमें से बांग्लादेश को एक मुकाबले में जीत मिली है और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के नेट रन रेट की तो -0.653 का नेट रन रेट है और अभी बांग्लादेश के पॉइंट टेबल में 2 अंक हो चुके हैं। बांग्लादेश को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए लगभग 7 मुकाबले जीतने होंगे, तभी बांग्लादेश की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर पिछले बार की चैंपियन इंग्लैंड की टीम का नाम आता है। इंग्लैंड ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं जिनमें से एक मुकाबले में इंग्लैंड को हार मिली है और एक मुकाबले में जीत मिली है।
दोस्तों नेट रन रेट है +0.553 का और दोस्तों इंग्लैंड के पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट हो गए हैं, इसलिए दोस्तों इंग्लैंड की टीम को बचे हुए 6 मुकाबले जीतने होंगे और तभी इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों अगर चौथे नंबर की बात करें तो पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम का नाम आता है। साउथ अफ्रीका ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 1 मुकाबला खेला है और 1 मुकाबले में जीत मिली है। दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट की बात करें तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में काफ़ी शानदार रहा है। दोस्तों साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है +2.040 का और दोस्तों 2 अंक हो गए हैं। दोस्तों अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम का नाम आता है। पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को जीत मिली है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के नेट रन रेट की बात करें तो +0.927 का काफ़ी बेहतर पाकिस्तान का नेट रन रेट है और अभी तक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 4 अंक हो चुके हैं। पाकिस्तान को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए लगभग 6 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अगर दूसरे नंबर की टीम के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर यहाँ पर इंडिया की टीम का नाम आता है। दोस्तों भारतीय टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। दोस्तों अगर नेट रन रेट की बात करें तो +1.500 का काफ़ी बेहतर नेट रन रेट है और इसी के साथ वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में टीम इंडिया के 4 अंक भी हो चुके हैं। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट थोड़ा सा और भी बेहतर करना होगा, तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों पहले नंबर की टीम के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का नाम आता है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और वर्ल्ड कप के दोनों मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है और दोस्तों अगर नेट रन रेट की बात करें तो +1.958 का काफ़ी बेहतर न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है और इसी के साथ न्यूजीलैंड के पॉइंट टेबल में 4 अंक भी हो चुके हैं। न्यूजीलैंड को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए नेट रन रेट और सुधारना होगा और इसी के साथ में न्यूजीलैंड को लगभग 6 मुकाबले जीतने होंगे, तभी न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। तो दोस्तों ये रहा भारत और अफगानिस्तान के मैच के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।